Hello to all our dear students. Today is 22nd of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. The topic today we are going to discuss is very important for the examination point of view because we will discuss in detail the topic related to the Manipur violence that we are seeing in the newspaper very frequently. आप देखते हो जो भी आप न्यूज़पेपर खोल रहे हो वहाँ पर आपको मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड न्यूज़ मिल रही है, तो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रेस्पेक्ट में जो भी पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है सारे का हमने कंपाइलेशन किया है और डिटेल से एनालिसिस करके आपको ये टॉपिक प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। हालांकि आपको ही पता है जिस प्रकार की इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इस प्रकार के वायलेंस से आप देख रहे हो कि महिलाएं और बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार का आपको वोमेन पर अत्याचार होते हुए दिख रही है मणिपुर में, काफ़ी शर्मसार कर देने वाली ये चीज़ें हैं। सो टुडे दो आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुई थी रिगार्डिंग द मणिपुर वायलेंस, तो उसी को हम एक प्रकार से कंपाइलेशन करके आपको ओवरऑल आइडिया मणिपुर वायलेंस के ऊपर देने वाले हैं, जहां पर हम स्टडी करेंगे बेसिकली कि आपका मणिपुर वायलेंस होने के क्या कारण रहे हैं। शुरुआत से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स हम देखेंगे, यहां पर दो कम्युनिटी का आपको आइडिया पता होना चाहिए, मैती कम्युनिटी और आपका जो कुकी जो कम्युनिटी, दोनों के बारे में हम समझेंगे तभी आपको आइडिया पता लगेगा कि क्या इश्यू है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स काउजिंग दिस वायलेंस, काउजिंग दिस डिस्टर्बेंसेस, एंड फर्दर वी विल मूव टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट हैज़ बीन टेकन सो फार एंड फर्दर क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, और फिर लास्ट में हम कुछ सजेशन देखेंगे जो अप्लाई की जानी चाहिए टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। बिकॉज आप समझो कि मोर देन 2 मंथ हो चुकी है एंड ये वायलेंस एंड नहीं हो पा रही है, तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आपके टॉपिक है ना, वो आपका जीएस पेपर 3 डेट इज रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत आपका आएगा। तो थोड़ा सा हम बेसिक से डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए कि जो भी आप कन्फ्लिक्ट देखते हो उसके पीछे जो कारण होते हैं ना, उसमें आप 3 बड़े कारण को ऐड कर लीजिए। एक होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा होता है आपका सोशल फैक्टर, तीसरा होता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। अब हम अगर मणिपुर की बात करें तो ये जो फैक्टर्स है वो इस पर फिट बैठते हैं। जैसे अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण आपका लैंड, रिसोर्सेस, पॉपुलेशन, ये सब आपका डिटरमाइन होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल फैक्टर, तो यहाँ पर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। उनके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, तो जाहिर सी बात है अगर मल्टीपल ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ रह रही हैं तो कन्फ्लिक्ट हो सकती है। और वन ऑफ द फैक्टर फॉर द कन्फ्लिक्ट इज बेसिकली द इश्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज ट्राइब्स। एंड द थर्ड फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग जॉब्स, रिसोर्सेस, इनकम, वो सब अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो फिर कन्फ्लिक्ट होने के चांस हो जाती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी आंसर लिखने में आपको मदद करेगा अगर कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो बिफोर बिगिनिंग द डिस्कशन लेट्स लुक एट द मैप ऑफ मणिपुर, बिकॉज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मणिपुर का मैप है एज वेल एज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द इश्यू, मैप का अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखो ये हमारा भारत का प्यारा मैप है और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम सिक्किम को छोड़ दें तो टोटल 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, टोटल 7 स्टेट्स आते हैं, ठीक है। पहले मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टेट्स वेयर यूटी, बट धीरे धीरे इसको स्टेट हुड दिया गया, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मणिपुर का मैप देखने को मिल रहा होगा, कहाँ पर है मणिपुर, यस यू आर करेक्ट, ये है आपका मणिपुर, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट कलर ले लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ये देखो, ये है आपका मणिपुर। अब मणिपुर के सराउंडिंग स्टेट कौन से हैं, एक है आपका असम जो बॉर्डर करते हैं, दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा है आपका मिज़ोरम, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर मणिपुर से जो सटती है वो है म्यांमार। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज वायलेंस ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका इनफिल्ट्रेशंस होता है पीपल का इन द फॉर्म ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं फॉर द काउज ऑफ वायलेंस, फॉर द काउज ऑफ इथिकल एंड द ट्राइबल इश्यूज, ठीक है। तो आपको होप कि मणिपुर से रिलेटेड मैप क्लियर हो गया होगा, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यूपीएससी इस टॉपिक पर फोकस कर सकती है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। अब थोड़ा सा हम मणिपुर को एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं। देखो मणिपुर में 16 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और 2 मुख्य ट्राइब यहाँ पर रिसाइड करते हैं। ऐसे तो ट्राइबल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच चल रहा है। एक है आपका मैती कम्युनिटी और दूसरा है आपका कुकी-ज़ोमी ट्राइब, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड से ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड, है ना, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो एक्चुअली ये बेसिकली मैती कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। और ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, इधर जो आपका ब्लू कलर है, फिर इस साइड आपका जो ब्लू कलर है, ये आपका कुकी-ज़ोमी डोमिनेटेड एरिया है। अब 2 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो आपका मैती कम्युनिटी है मणिपुर में, दैट रिप्रेजेंट 64% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर, प्लस दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ मणिपुर, ठीक है। ये पॉइंट आपको ज़रूरत होंगी इसलिए मैं समझा रहा हूँ। दूसरा जो है आपका कुकी-ज़ोमी ट्राइबल, ठीक है, और ये जो है बेसिकली इनकी पॉपुलेशन प्लस अदर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन को मिला दे तो लगभग आपका 35% होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया ऑक्युपाई करते हैं वो बेसिकली 90% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ मणिपुर है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके कारण एक प्रकार से कह सकते हो कि कन्फ्लिक्ट निकल कर आ रही है, वो ये है कि जो आपका कुकी-ज़ोमी ट्राइबल्स हैं, इनको एसटी का स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, और मैती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है कुकी-ज़ोमी ट्राइबल्स को, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जाहिर सी बात है एससी स्टेटस होता है, मतलब एसटी स्टेटस होता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपका ऑटोनॉमी होती है, साथ ही साथ आपका लैंड या प्रॉपर्टी आउटसाइडर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी, साथ ही साथ रिजर्वेशन का अपॉर्चुनिटी होता है जॉब्स में, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज़ इनको मिलती है, लेकिन ये सब फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं मैती कम्युनिटी को नहीं मिलती है, बिकॉज ये आपके एसटी कैटेगरी का टैग इन्हें नहीं मिला हुआ है। तो बेसिकली मैती कम्युनिटी लंबे समय से डिमांड कर रही थी कि हमें भी एसटी कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए ताकि हमें भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं एसटी कैटेगरी को वो हमें भी मिले, लाइक हम भी आउटसाइड आवर रीजन लैंड को ख़रीद सके या फिर जॉब्स में रिजर्वेशन पा सके या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए भी खुल सके। तो जाहिर सी बात है इस डिमांड पर ये जो आपकी कुकी जोमी ट्राइबल्स है वो राज़ी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कुकी जोमी ट्राइबल्स को एक प्रकार से फियर रहती है कि इसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारे रिजर्वेशन हमें मिली हुई है उसमें से हमें स्कैर्सिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है जो मैती कम्युनिटी है वो डोमिनेट कर जाए जॉब्स में, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में। ये सब कुछ कंसर्न्स थी। क्यों? बिकॉज मैती कम्युनिटी 64% ऑफ पॉपुलेशन है एंड चूँकि ये 10% ऑफ एरिया को ही ऑक्यूपाई करते हैं, तो अगर इनको एसटी स्टेटस मिल जाता है तो ये बाद में अपने एरिया से एक्सपेंड होकर ये जो आपके अदर एरियाज है दैट इज़ 90% ऑफ द एरियाज, यहाँ पर ये अपना ज़मीन खरीद सकते हैं। और हो सकता है कि जो अदर ट्राइबल्स कम्युनिटी के लैंड है उसको अपने कंट्रोल में ले ले। तो ये सब कुछ कंसर्न्स कुकी जोमी ट्राइबल्स के अंतर्गत रेज की जा रही थी। ठीक है, तो होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। तो दैट्स वाई यही आपका जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है जो अल्टीमेटली मणिपुर के हाई कोर्ट का डिसीजन आया वो एक ट्रिगर पॉइंट बनेगा फॉर द कन्फ्लिक्ट टू बी कंक्लूडेड इन वायलेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्दर। तो अगर हम बात करें रीज़न बिहाइंड द अनरेस्ट इन मणिपुर, क्या फैक्टर्स हैं? तो बेसिकली फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे आपका म्यांमार क्राइसिस 2021 में आपने देखा, मिलिट्री कूप वहाँ पर देखने को मिली और जिसके कारण वहाँ के जो सिटीजन्स थे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और बहुत सारे जो लोग हैं म्यांमार से वो आपका मणिपुर एंड आसपास के एसोसिएटेड स्टेट्स में आने लगे, रिसाइड करने लगे। तो ऐसे में एक प्रकार से रिफ्यूजीज की इनकमिंग होने लगी इनटू मणिपुर। तो इसने भी जो इथनिक बैलेंस ऑलरेडी चल रही थी उसको डिस्टर्ब किया, कॉम्प्लिकेट किया। तो वन ऑफ द फैक्टर इज़ म्यांमार क्राइसिस। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका ड्रग ट्रैफिकिंग एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम। मैंने आपको इसलिए मैप दिखाया था इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड कि आप देखो ये आपका म्यांमार है और ये आपका मणिपुर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होती है और इतना ही नहीं आपका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है। इसमें आपका आर्म्स एमिटेशंस सबका आदान प्रदान होता है बिकॉज यहाँ पर आपकी मिलिटेंसी हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पर एक्टिवेटेड रहते हैं, ठीक है, जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। तो फिर यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गोल्डन ट्रायंगल के कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो गोल्डन ट्रायंगल में क्या है, बेसिकली ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, है ना। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है इसमें 3 कंट्रीज आते हैं, एक है आपका म्यांमार, एक है आपका लाओस, एक है आपका थाईलैंड। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो तो ये ट्रायंगल बन जाएंगे। तो ये गोल्डन ट्रायंगल है क्या, बेसिकली ये डेडिकेटेड रीजन है जहाँ पर ओपियम जिसको कहते हो, ठीक है, उसका कल्टिवेशन होता है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हमारे कंट्री में, खासकर जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है जैसे आपका मणिपुर हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है इलीगल तरीके से, क्रॉस बॉर्डर क्राइम हमें देखने को मिलता है और पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रोकने में हमें असफलता हाथ लग जाती है और इसके कारण वायलेंस और सोशल अनरेस्ट दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये मैंने दो फैक्टर डिस्कस किया, बट आपका जो इंटरनल फैक्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगा करंट इश्यू के लेकर। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या हो गया, सबसे पहली बात तो यह है कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का डिमांड बाय द मैती कम्युनिटी, और उस पर मणिपुर हाई कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में क्या कहा था, तो मणिपुर हाई कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में ये कहा था कि बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली रिकमेंडेशन भेजे सेंटर को टू इंश्योर कि जो मैटी का डिमांड है फॉर एसटी स्टेटस उस पर डिस्कशन हो सके, और यही एक ट्रिगर पॉइंट बना। और मैंने फैक्टर्स आपको बता दिया क्यों ट्रिगर पॉइंट बना, बिकॉज जो मैती कम्युनिटीज है और जो आपका कुकी जो ट्राइब्स है, तो कुकी जो ट्राइब्स को ये डिसीजन तो पसंद नहीं आएगी ना, तो दैट्स वाई आपका ये वायलेंस शुरू हो गया, स्प्रीड होने लगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिगर पॉइंट। बट इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ यही एक फैक्टर था, और भी बहुत सारे फैक्टर थे जो मैंने आपको पहले भी बताया, और लेट्स वी डिस्कस अदर डिटेल्स। जैसे एक है आपका लैंड इश्यू, लैंड इश्यू में मैंने आपको बताया कि जो मैती कम्युनिटी है वो बेसिकली 10% ऑफ द मणिपुर एरिया में रिसाइड करते हैं, बाकी जो अदर ट्राइब्स हैं इंक्लूडिंग द कुकी जो ट्राइब्स ये 90% एरिया में रिसाइड करते हैं। तो अगर मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस मिलता तो कहीं ना कहीं एक फियर की भावना बन जाती अदर ट्राइबल कम्युनिटीज के अंतर्गत कि हो सकता है कि ये जो मैती कम्युनिटी है वो लैंड और रिसोर्सेस पर कम्पीट करने लगे। ठीक है, और मैती कम्युनिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड थी कि बेसिकली जब इन्हें एसटी स्टेटस मिला गया है, यानी कि जो आपके अदर ट्राइबल्स हैं उनको एसटी स्टेटस मिला गया है, तो फिर वो क्या करते हैं कि मैती कम्युनिटी जिस जगह पर रिसाइड करते हैं तो उनके आसपास एरिया पर वो बेसिकली लैंड ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैती कम्युनिटी की डिमांड थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए अगेंस्ट आउटसाइडर, ताकि अगर कोई बाहरी हमारे रीजन पर आए, कब्जा करे या फिर आपका लीगल राइट्स की डिमांड करे तो वो ना हो। ठीक है, बिकॉज ये जो मैती कम्युनिटी है ना इनको वैली रीजन में ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, दैट्स वाई आप देख सकते हो ना 10% एरिया पर ही रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी जो आपके अदर ट्राइबल्स है वो हिली एरियाज पर डिसाइड करते हैं, दैट रिप्रेजेंट 90% ऑफ एरिया। ठीक है, तो जो ट्राइबल पीपल है वो लैंड बाय कर सकते हैं, बट सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू मैती कम्युनिटी इफ दे ट्राई टू बाय आउटसाइड देयर सेटल्ड रीजन। और उसके बाद अदर फैक्टर्स की बात करें जो सब्सिडियरी फैक्टर्स के रूप में एक्ट कर सकती है, वो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, जैसे आपका स्केर्स रिसोर्सेज है, जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, आप देखो ना प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम है, ना ही बड़े बड़े बिजनेस है वहाँ पर, ना ही इंडस्ट्रीज है, तो जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स पर ही आपका कंसंट्रेटेड है। दैट्स वाई जो ट्राइबल कम्युनिटीज लगता है उनको कि अगर इनको एसटी का स्टेटस मिलेगा तो हो सकता है हमारे जॉब्स पर भी खतरे आ जाए, हमारे रिसोर्सेज पर भी खतरे आ जाए, तो ये चीज़ निकल कर आती है। उसके बाद एक है आपका गवर्नेंस इश्यू, गवर्नेंस इश्यू में आप देख ही सकते हो कि मोर देन 2 मंथ हो चुके हैं फिर भी गवर्नमेंट सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई है, और कोर इश्यू को सॉल्व करने के बजाय गवर्नमेंट मोबाइल इंटरनेट का सस्पेंशन करती है या फिर AFSPA लगा देती है, तो इससे सिचुएशन सुधर नहीं रही है बल्कि और ज़्यादा बिगड़ रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो रूट कॉजेज है इस कन्फ्लिक्ट का उसको एड्रेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई हुई चीज़ें। अब हम बताते हैं कि अगर ये इश्यू कंटिन्यू हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट हमारे रीजनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ओवरऑल इंडिया का जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर वो सब भी तो प्रभावित होगा ना। अब इंडिया जो है ह्यूमन राइट्स का प्रमोट करता है ना, डेमोक्रेसी का प्रमोट करता है, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी, अगर हमारे ही देश में, हमारे किसी राज्य में आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो फिर हम कैसे दुनिया के सामने बात कर सकते हैं कि हम जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ निकल कर आती है। तो देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन द रीजनल सिक्योरिटी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। एक तो ये है कि बॉर्डर वल्नरेबिलिटी, जैसे इस कन्फ्लिक्ट के कारण हो सकता है क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज और ज़्यादा बढ़ जाए, बिकॉज जहाँ पर इनस्टेबिलिटी रहती है तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑल्सो इलीगल आर्म्स ट्रेडिंग जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, मिलिटेंसी का ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी। सिंपल भाषा में कहें कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स मौजूद थे, अब इस अनस्टेबिलिटी के कारण इनको एक प्रकार से मदद मिल जाएगी फॉर देयर ग्रोथ, और इसके कारण जो अनरेस्ट और ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी और ये जो मिलिटेंट ग्रुप है अपने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे, और इसके कारण एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ का राइज देखने को मिल सकता है। डैट विल ऑल्सो कैटर चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एंड दैट विल फर्दर इम्पैक्ट द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ दिस रीजन, ठीक है। उसके बाद, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू देयर मे बी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, लाइक रिफ्यूजी फ्लो बढ़ सकती है इन द नेबरिंग कंट्रीज, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स बढ़ सकता है। तो हो सकता है जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है लाइक म्यांमार, तो इन सब पर जो रिलेशंस है वो स्ट्रेन हो सकते हैं। उसके बाद देयर इज़ ए हिंड्रेंस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब समझो कि जिस रीजन में कन्फ्लिक्ट चलेगा, पीस नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा, है ना। तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पैसे नहीं रहेंगे तो पॉवर्टी बढ़ेगी, एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फर्दर लीड्स टू पॉवर्टी, फर्दर लीड्स टू लॉस ऑफ इनकम, फर्दर लीड्स टू इनइक्वलिटी, एंड दिस विल फर्दर लीड टू इनस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, बिकॉज तब ये लोग बेसिकली हो सकता है कि वायलेंस का सहारा ले, हो सकता है कि आपका मिलिटेंसी में ज्वाइन कर ले, तो ये सब चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। तो इसका इम्पैक्ट पर ही हम बात कर रहे थे। एक है आपका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होगा, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैंने मैप में आपको दिखाया कि ये जो आपका मणिपुर का मैप है, अब यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हैं, तो हो सकता है पीपल जो है वो आपका नागालैंड में शिफ्ट होने लगे, हो सकता है मिजोरम में शिफ्ट होने लगे, हो सकता है त्रिपुरा में, हो सकता है असम में, हो सकता है मणिपुर में, मतलब मणिपुर नहीं, हो सकता है आपका म्यांमार में। तो म्यांमार वाला तो इंसिडेंट हमने डिस्कस किया, वहाँ पर रिफ्यूजी वाली चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन आप समझो कि किसी दूसरे स्टेट में जाने लगे, अब यहाँ पर भी तो ट्राइबल्स रह रहे हैं ना, अब जब इन जगहों पर जाएंगे कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, तो फिर जहाँ ये जाएंगे वहाँ पर भी इतनी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। दैट विल फर्दर एग्रीवेट द सिचुएशन, दैट विल फर्दर बूस्ट दिस क्राइसिस इन अदर स्टेट्स एज वेल, तो ये चीज़ निकल कर आती है ना। होप यू अंडरस्टूड, एंड दिस विल गिव एडिशनल टेंशन बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप्स। उसके बाद ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो देख ही रहे हो, जिस प्रकार से वोमेन के अगेंस्ट वायलेशन देखने को मिल रहा है, वायलेंस देखने को मिल रहा है, एज वेल एज चाइल्ड के अगेंस्ट जो हमें वायलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट विल अफेक्ट द इंडियाज इमेज, दैट्स वाई आप समझो कि बहुत सारे देश ने इस मुद्दे पर क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमारी जो एबिलिटी है टू एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एट इंटरनेशनल लेवल, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद जो सोशल कोहेशन है उस पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। सोशल कोहेशन मतलब सामाजिक एकजुटता, तो जब ये कन्फ्लिक्ट रहेंगी, बताओ एक स्टेट है उसमें बहुत सारे ट्राइबल्स है, अब दोनों में जो भी ट्राइबल्स है उसमें बनती नहीं है, तो जो एकजुटता है वो तो कभी आ नहीं पाएंगी, और बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस ये डिफरेंसेस और ज़्यादा डिपेंड होने लगेंगे और सोशल डिवीज़न होने लगेगा। दैट विल इम्पैक्ट द सोशल हार्मोनी, द ट्रस्ट, द सोशल कैपिटल ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द नेशन ओवरऑल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो गवर्नमेंट ने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं और आगे भी लेने का प्लान कर रही है, बट जो पहले लिए जा चुके स्टेप्स हैं उसको हम देखते हैं। एक तो पॉलिटिकल डायलॉग गवर्नमेंट वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ, एथनिक ग्रुप्स के साथ करती आ रही हैं ताकि उनके ग्रीवेंसेस को, डिमांड्स को सुना जा सके और फिर उनके डिमांड्स को फुलफिल करने का प्रयास किया जा सके, ताकि गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच ट्रस्ट मजबूत हो सके और सॉल्यूशन निकाल सके फॉर द लॉन्ग लास्टिंग पीस। और एक एग्जांपल भी यहाँ पर निकल कर आता है कि जैसे आप देखो कि यूनाइटेड नेशन लिबरल फ्रंट एंड कंगलेपक कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब के बीच बेसिकली पीस टॉक हुई थी, तो प्रयास तो किए गए हैं। फिर एक है आपका कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट, ये आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्या है ये आपका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट, ये हम देखते हैं। तो अभी इसका रिसेंट कंटेक्स्ट ये है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने इस पैक्ट को विथड्रॉ कर लिया है जो साइन की गई थी वेरियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, बट 2 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस पैक्ट को विथड्रॉ कर लिया है, दैट इज योर कुकी नेशनल आर्मी एंड जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी। तो क्या है ये आपका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट। तो बेसिकली 2008 में ये कुकी नेशनल आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच साइन की गई थी। एक प्रकार से आप समझो कि सीज फायर डील थी बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कुकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मणिपुर नागालैंड में ऑपरेट कर रहे थे। इस एग्रीमेंट के अनुसार ये था कि जो कुकी टेररिस्ट ग्रुप है जो वायलेंट एक्शंस, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती हैं, वो सब ना करें और जो भी उनके कैंप्स हैं उसकी रिपोर्टिंग वो गवर्नमेंट को दे, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी अथॉरिटीज उन कैंप्स को सुपरवाइज करते रहें रेगुलर बेसिस पे कि भाई साहब तुम कोई वायलेंस इंसिडेंट तो नहीं करने वाले हो, प्लान तो नहीं कर रहे हो। तो इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट क्या उनको ऑफ़र किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ऑफ़र किया कि भाई साहब हम आपके अगेंस्ट जो भी मिलिट्री एक्शंस लेते हैं वो सब नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पीस इस्टेब्लिश रहेगी, है ना। तो ये चीज़ थी आपकी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट। तो होप यू अंडरस्टूड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फिर आपका डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब पर फोकस किया गया ताकि लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोकल कम्युनिटीज़ के लिए बढ़े, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ के बीच, और साथ ही साथ एक भरोसा होगा, चलो अपॉर्चुनिटी तो बढ़ ही रही है ना, तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो जाएंगी, रिसोर्सेज स्केर्स हो जाएंगी, तो इस प्रकार की विचारधारा में कमी आएगी, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम लेकर आया था टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की तो है ही है, इसके तहत क्या है कि जो भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, और भी बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, तो इनके बीच एक प्रकार से कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने की बात थी, बिकॉज ये सब जो कंट्रीज है ना ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, क्लोज हैं, सिमिलर टाइज, सिमिलर ट्रेडिशंस, कल्चर्स को शेयर करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई थी जिसके तहत क्या है कि आपका यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ट्रेड बूस्ट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट आ सकता है, टूरिज्म प्रमोट हो सकती है और कनेक्टिविटी भी बूस्ट हो सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया था। और एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, जो आपका एक हाईवे बनाने का प्लान है जो इंडिया को, म्यांमार को, थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब कनेक्टिविटी एक बार इस्टेब्लिश हो गई तो ट्रेड का आदान प्रदान आसानी से हो सकेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी हो सकेगी, ठीक है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए गए ताकि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो मणिपुर में यूथ हैं उनको मिल सके और वो जो है जॉब्स में इंगेज रह सके, काम में इंगेज रह सके, और उनको बेसिकली अदर इलीगल एक्टिविटीज़ में जाने का मौका ना मिले, है ना। जैसे आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ पार्टनर किया था ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए मणिपुर के यूथ को और उन सबको एक सही दिशा दी जाए फॉर लीगल वर्क। उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किए टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो काउंटर नारकोटिक ऑपरेशंस। यानी कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिया टू कम्बेट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड कल्टिवेशन। जैसे मणिपुर पुलिस ने इलीगल पॉपी प्लांटेशन, आपको ही पता है ना, जो आपका ओपियम कल्टिवेशन सब भारत में इलीगल है, तो जहाँ पर ये इलीगली ग्रो किए जा रहे थे मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर मणिपुर की पुलिस ने उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो इस प्रकार के एक्शंस लिए गए, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं जिसके कारण ये अनरेस्ट रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्स इथनिक डायनेमिक्स, मल्टीपल ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़ मणिपुर में रिसाइड करती है, तो जिसके कारण हर ट्राइबल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, ग्रीवेंसेस को कंप्लीट तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता, बिकॉज एक एग्री होगा तो दूसरा डिसएग्री हो जाएगा, है ना, तो इसके कारण हम सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रहे। तो एक बात तो ये है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वहां पर जो आर्म्ड फोर्स, मतलब आर्म्ड फोर्सेस नहीं, जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स है जो पीस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देती है, बिकॉज एक कॉमन कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी देखने को मिलता है, जैसे हमने म्यांमार के मिलिट्री कूप का इम्पैक्ट देखा किस प्रकार से, उसके कारण रिफ्यूजी की इनकमिंग होने लगी थी और इसके कारण इथनिक बैलेंस डिस्टर्ब होने की पोटेंशियल बढ़ गई थी। उसके बाद लैक ऑफ डेवलपमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं आने के कारण क्या है कि लोगों के पास लाइवलीहुड अर्न करने का स्रोत नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं, है ना। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ द यूथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और इसके लिए प्रॉपर शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनएडिक्वेट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ रही है उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर तो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट जो आपका सोशल कोहेशन है, गवर्नमेंट के प्रति विश्वास है, वो नहीं बन पाता है। तो चैलेंजेज क्या है, एक है आपका एफएसपा, यानी कि जो आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट मणिपुर में लगाई गई है, ये काफ़ी ज़्यादा कंटेंशियस इश्यू रहती है, बिकॉज वहाँ के लोकल्स आरोप लगाते हैं कि बिकॉज ऑफ एफएसपा देयर इज़ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल्सो इट काउजेज रिसेंटमेंट एमंग द पीपल। तो एफएसपा क्या है, इसके बेसिक्स हम कभी और डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये इमेज दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। एफएसपा वैसे 1958 में लाया गया था और इसमें सिंपली कहो तो जो आर्म्ड फोर्सेस है ना हमारे देश में, उनको स्पेशल पावर दिया जाता है कि अगर कोई सस्पेक्ट है ना, अगर आर्म्ड फोर्सेस को लगता है कि ये जो पार्टिकुलर पर्सन है वो सस्पेक्ट है इन द डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया, तो फिर उनको पावर मिलती है कि फायर कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन एक्टिंग इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग जो एफएसपा इन्फोर्स्ड है इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, ऑल्सो सस्पिशियस पीपल को बिना वारंट इश्यू अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सस्पेक्टेड है उनके जो हाउस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ है। सर्चेज कंडक्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट्स टू फाइंड एविडेंस टू रिकवर रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन्स और प्रॉपर्टी और आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स, तो ये सब कुछ है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके कारण ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण है कि हमारा जो ये इश्यू है वो सॉर्ट आउट नहीं हो सका है। तो फर्दर सॉल्यूशन क्या है, तो फर्दर सॉल्यूशन ये है कि जो डायलॉग है उसको मोर इंक्लूसिव बनाया जाए, यानी कि जो भी विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उसको शामिल किया जाए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन सबको शामिल किया जाए, उनके इंटरेस्ट को सुना जाए और फिर एक कॉमन सॉल्यूशन पर निकले। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल कहा जाता है कि जो मिज़ोरम अकॉर्ड हुआ 1986 में बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिज़ो नेशनल फ्रंट, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि किस प्रकार से वो सक्सेसफुल अकॉर्ड देखने को मिला और वो अभी तक चल रही है। उसके बाद गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, करप्शन, इनएफिशिएंसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी दीजिए, ताकि जो आपका अविश्वास है कम्युनिटीज़ के बीच कि हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी या फिर आपका हमारे पास कोई अदर लाइवलीहुड वर्क नहीं रहेगा, तो ये सब जो डिस्टर्बेंसेस हैं इन सब को दूर किया जाए। साथ ही साथ AFSPA को रीएवैल्यूएट किया जाए कि इसको लगाना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए, है ना। उसके बाद बॉर्डर इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए, जहां पर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट किया जाए, पार्टिकुलरली म्यांमार, सो दैट जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज आते हैं स्मगलिंग के, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन के, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स के, उसको सही तरीके से एड्रेस किया जाए, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस की जाए और उन्हें कोई ऐसा ना लगे कि इसके कारण हमारा जो एथनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका एक मॉडल भी दिया जाता है, जैसे बांग्लादेश इंडिया मॉडल। इसके तहत जो भी आपके दोनों देश हैं वो मिल बैठकर इन इश्यूज़ पर अच्छे से हैंडल किए हैं। उसके बाद सिविल सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा इनकरेज किया जाए, ताकि वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग में एक्टिव रोल निभा सके। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल जैसे नागा मदर एसोसिएशन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वुमेन इनिशिएटिव फॉर पीस, ये सब भी एक्टिव हैं और इनको और ज़्यादा इन्वॉल्व करने जाना चाहिए, बिकॉज ये बेसिकली ग्राउंड जीरो पर वर्क करते हैं। इनको पता रहता है कि कैसे क्या हम कर सकते हैं टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट एंड टू इंश्योर पीस। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं विद इन मणिपुर, बिटवीन द स्टेट्स, है ना, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज या डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज वो पार्टिसिपेट करे और एक दूसरे को जान सके। तो इससे क्या होगा कि ट्रस्ट, पीस सब इस्टेब्लिश हो सकेगी। ठीक है, तो क्विक समरी में हम देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। तो शुरुआत में मैंने बेसिकली बेसिक आपको बताया कि क्या है आपका कारण ऑफ द मणिपुर वायलेंस, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ मैप्स आपको बताया। उसके बाद आपका मणिपुर के बारे में प्रॉपर जानकारी दी, आपको कम्युनिटीज़ के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद क्या कारण है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में म्यांमार क्राइसिस, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर क्राइम, एंड इंटरनल फैक्टर में डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, लैंड इश्यूज़, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इश्यूज़। उसके बाद इंटरनल फैक्टर में ही हम देख रहे थे बॉर्डर, हाँ। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुआ मणिपुर अनरेस्ट के कारण, तो बॉर्डर वल्नरेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी, स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, हिंड्रेंस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, सोशल कोहिशन, सोशल ट्रस्ट, सोशल कैपिटल पर प्रभाव देखने को मिलती है। तो क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, पॉलिटिकल डायलॉग, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट, एंड उसके बाद डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिक्योरिटी मेजर्स, काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशंस, ठीक है। फिर भी चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, क्यों है, तो कम्प्लेक्स एथनिक डायनेमिक्स, प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स, external influences, lack of development and inadequate policy implementation and the AFSPA। तो सोल्यूशन फर्दर क्या है, इंक्लूसिव डायलॉग करिए, स्ट्रेंथन करिए गवर्नेंस सिस्टम को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करिए एंड AFSPA को रीएवैल्यूएट करिए, बॉर्डर इश्यूज़ को एड्रेस करिए, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है कि जो लीडरशिप है ना वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। इसलिए लीडरशिप को एक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि ये जो वायलेंस है वो अब मिनिमाइज हो सके, कम हो सके, ख़त्म हो सके। काफ़ी लंबे समय से ये चल रही है, इसका एक सही सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टूड इन ग्रेट डिटेल, चीज़ें समझ में आई है। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट on the various topics on the next day. Thank you.